हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड और हमने शुरू करने जा रहे हैं मेटैलिक कोटिंग प्रोसेस। ये हमारी फिफ्थ यूनिट है मेटैलिक कोटिंग प्रोसेस। इसके अंदर हम बात करेंगे कि हम जो कोटिंग करते हैं, चाहे वो फेरस मेटल हो, नॉन फेरस मेटल हो, जिन मेटल पे हम कोटिंग करते हैं, तो उस कोटिंग प्रोसेस के बारे में कौन कौन से मेथड है जिन मेथड के द्वारा हम कोटिंग करते हैं हमारी मेटल्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोटिंग के बारे में कि कोटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटिंग के बारे में। टॉपिक है हमारा कोटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटिंग के बारे में कि कोटिंग क्या है। कोटिंग क्या है? द कोटिंग विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट यानी कि हमारी, प्रोटेक्ट यानी कि बचाना, मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स की। इट इज ए मेथड, इट इज ए मेथड विच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द मेटल एंड नॉन मेटल्स। कहां से? अगेंस्ट एटमोस्फेरिक एंड कोरोसिवनेस, जो भी हमारी कोरोसिवनेस एक्शंस हैं, उनसे हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? कोटिंग का। ये किसका काम है? कोटिंग। कोटिंग यानी कि हमारे पास मेटल है या फिर नॉन मेटल है, हम क्या करते हैं उसके ऊपर एक परत, एक लेयर बना देते हैं कोटिंग की, जिसकी वजह से कोट की एक लेयर तैयार कर देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी मेटल को, नॉन मेटल को, हमारे प्रोडक्ट को, जो भी सराउंडिंग में, जो भी एनवायरनमेंट में हमारी गैसेस वगैरह ऑक्सीडाइजेशन हैं, एटमोस्फेरिक है, क्रोसिवनेस है, क्रोजन है, इन सब से हम अपनी मेटल, नॉन मेटल को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कोटिंग में क्या लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग, इट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग मेटल्स एंड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो भी मेटल्स है और नॉन मेटल्स को, किसके? अगेंस्ट, अगेंस्ट एटमोस्फेरिक, जो हमारे वातावरण में है, एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक एंड कोरोसिव, एटमोस्फेरिक एंड जो भी कोरोसिव एक्शन हो रहे हैं, एंड अदर कोरोसिव, अदर कोरोसिव एक्शंस, अदर कोरोसिव एक्शंस इज कॉल्ड, या फिर इज नॉन एज, इज कॉल्ड मेटैलिक, इज कॉल्ड मेटैलिक और नॉन मेटैलिक, इज कॉल्ड मेटैलिक और नॉन मेटैलिक कोटिंग। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मेटैलिक या फिर नॉन मेटैलिक कोटिंग। तो एक बार फिर से देखो, हमने क्या बात की कोटिंग के बारे में कि कोटिंग क्या है। तो कोटिंग में क्या लिखा कि इट इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि जो भी हमारी मेटल्स होती है या फिर आप बोल सकते हैं नॉन मेटल्स होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? जो भी हमारी एटमोस्फेरिक और कोरोसिव एक्शंस हो रहे हैं, एटमोस्फेरिक, एटमोस्फेरिक यानी कि हमारी सराउंडिंग के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर काफी तरह की गैसेस होती है, काफी तरह की, जिस तरह से ऑक्सीडाइजेशन है, क्रोजिव एक्शंस होते हैं, जैसे कि क्रोजन हो गया, तो इन सब की वजह से क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल्स पे क्या होता है, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि खराब हो जाती है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मेटल और नॉन मेटल को बचाने के लिए हम कोटिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं, उसी कोटिंग को बोल देते हैं मेटैलिक कोटिंग। मेटैलिक कोटिंग यानी कि अगर हम किसी मेटल पे कोटिंग कर रहे हैं तो वो हमारी कोटिंग कहलाएगी मेटैलिक कोटिंग। इसी प्रकार अगर हम किसी नॉन मेटल पे, नॉन फेरस मेटल पे हम कोटिंग कर रहे हैं तो वो हमारी कोटिंग कहलाएगी नॉन मेटल कोटिंग। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कोटिंग का कि कोटिंग क्या है। कोटिंग एक तरह से हमारी मेटल और नॉन मेटल को प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? प्रोटेक्ट करना है जो भी एटमोस्फेरिक और कोरोसिव एक्शंस हो रहे हैं, उन एक्शन से, उनसे प्रोटेक्ट करना, ये किसका काम है? ये काम है कोटिंग का। किसका काम है? कोटिंग का। अब हम बात करते हैं इसके अलावा मेटल स्प्रेइंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोटिंग के बाद मेटल स्प्रेइंग।
मेटल स्प्रिंग भी क्या है, एक तरह से कोटिंग ही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे मेटल पे या फिर आप बोल सकते हैं हमारी नॉन मेटल्स पे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन पे हम मेटल की क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, स्प्रे कोटिंग करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, मेटल स्प्रे। मेटल स्प्रे बोल सकते हो, मेटल स्प्रेइंग, मेटल स्प्रेइंग, मेटल स्प्रेइंग, SPRAYNG। तो देखो सबसे पहले मेटल स्प्रेइंग क्या है, मेटल स्प्रेइंग इज आल्सो नोन एज स्प्रे मेटलाइजिंग। जो भी हमारी मेटल स्प्रे है, मेटल स्प्रे को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मेटल स्प्रेलाइजिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि मेटल मेटल स्प्रे या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्प्रे मेटलाइजिंग, स्प्रे स्प्रे मेटालाइजिंग, स्प्रे मेटालाइजिंग, ये भी हम इसको बोल सकते हैं स्प्रे मेटालाइजिंग। किसको बोल सकते हैं, मेटल स्प्रे को। अब देखो मेटल स्प्रे का काम क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी दूसरी मेटल पे यानी कि जिस मेटल को हम कोट करना चाहते हैं, जिस मेटल की हम कोटिंग करना चाहते हैं, उस मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, जो मेटल हमने स्प्रे यानी कि जिस मेटल की हमने क्या करनी है, कोटिंग करनी है, उस मेटल को हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं मोल्टन मेटल की फॉर्म में दूसरी मेटल पे, यानी कि जिस मेटल के सरफेस पे हम कोटिंग करना चाहते हैं उस मेटल के सरफेस पे मोल्टन मेटल को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। वो हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं कि हम वायर गन मेथड से कर सकते हैं या पाउडर मेटल मेथड से, दो तरह के हमारे पास मेथड होते हैं मेटल स्प्रेइंग में। जब आगे पढ़ेंगे तो दो प्रकार के हमारे पास मेथड होते हैं, एक होता है वायर गन मेथड, दूसरा होता है मेटल पावर मेटल मेथड। तो उन दोनों मेथड की सहायता से हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं, हमारी मेटल की। तो वाटर मेटल स्प्रेइंग के अंदर बस यही होगा कि मेटल स्प्रेइंग के अंदर सबसे पहले तो हम जो मेटल स्प्रेइंग है इसको स्प्रे मेटलाइजिंग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक थिन कोटिंग, हम क्या करते हैं थिन कोटिंग, कोटिंग की एक लेयर बनाते हैं, थिन कोटिंग की हम क्या करते हैं एक लेयर तैयार करते हैं। वो लेयर कैसे तैयार करते हैं कि जिस भी मेटल पे हमने मोल्ट क्या करनी है, कोटिंग करनी है, उस कोटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास मेटल होगी, उस मेटल को हम मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे, मोल्टन फॉर्म में लाने के बाद उसकी हम स्प्रे करवाएंगे। कहां पे स्प्रे करवाएंगे, जिस मेटल की हमने कोटिंग करनी है, वो कोटिंग किस फॉर्म में होगी, वो थिन कोटिंग यानी एक पतली लेयर की तौर पे मेटल पे हम कोटिंग करेंगे मोल्टन मेटल की इन दी फॉर्म ऑफ स्प्रे। स्प्रे की फॉर्म में हम क्या करेंगे, हमारा जो सरफेस है मेटल का उस सरफेस पे हम कोटिंग कर देंगे, किसकी फॉर्म में, यानी कि थिन कोटिंग की, बिल्कुल पतली बारीक सी कोटिंग कर देंगे। आगे हम बात करते हैं जो मेटल स्प्रे है, मेटल स्प्रे हमारे पास दो प्रकार की होती है, जो मेटल स्प्रे है ये फर्दर आगे दो प्रकार की होती है। एक मेटल स्प्रे को हम बोलते हैं वायर गन मेथड, वायर गन मेथड। सेकंड हमारी होती है पाउडर मेटल मेथड, पाउडर मेटल मेथड। तो ये दो तरह की हमारे पास क्या है, ये दो तरह की हमारे पास है मेटल स्प्रेइंग। एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले मेटल स्प्रेइंग टॉपिक है, मेटल स्प्रेइंग टॉपिक में अंदर में हम क्या बोला कि मेटल स्प्रे को हम स्प्रे मेटलाइजिंग भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक पतली सी लेयर की कोटिंग करते हैं हमारी बेस मेटल पे। बेस मेटल पे जो पतली लेयर की कोटिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने कोटिंग करनी है, कोटिंग के अंदर जो भी हमने मेटल यूज की है, हम उसको पहले क्या करते हैं मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस मोल्टन मेटल को हम स्प्रे करवाते हैं हमारी बेस मेटल के सरफेस पे, जहां पे हम कोटिंग करना चाहते हैं उस मेटल के सरफेस पे हम मोल्टन मेटल को स्प्रे करवाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे यानी कि बेस मेटल के सरफेस पे एक पतली लेयर बन जाती है, एक थिन कोटिंग की लेयर बन जाती है। और इसी कोटिंग की लेयर से हम अपनी उस प्रोडक्ट को, हम उसने अपने सरफेस को, बेस मेटल के सरफेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक, जो भी हमारे एटमॉस्फेरिक एक्शंस हो रहे हैं या कोरोसिव एक्शंस हो रहे हैं, क्रोजन हो रही है, तो उन सब से हम अपने जो बेस मेटल है, जो मेटल पे हम कोटिंग कर
सकते हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोटिंग। तो ये हो गया मेटल स्प्रे। उसके बाद मेटल स्प्रे आगे दो प्रकार की होती है, एक होती है वायर गन मेथड और दूसरी होती है पाउडर मेटल मेथड। तो दो तरह की हमारे पास क्या है, हमारी है मेटल स्प्रे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायर गन मेथड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेटल स्प्रे के अंदर कौन सी है, फर्स्ट वन है वायर गन मेथड। वायर गन मेथड, तो वायर गन मेथड में हम किस तरह से करेंगे, तो वायर गन मेथड में हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से सबसे पहले जो एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वायर गन मेथड के अंदर क्या होगा, मान लीजिए यानी कि एक वायर की फॉर्म में जो भी हम डायग्राम मुझे बना रहे हैं, ये क्या होगा एक वायर की फॉर्म में, इसके अंदर एक पतली सी वायर लगी होगी जिसके अंदर से हम क्या करेंगे मेटल को स्प्रे करेंगे। मान लीजिए इस तरह से क्या है, इसके अंदर वायर से लगी होगी, यानी कि जहां से क्या हो रही होगी मेटल स्प्रे हो रही होगी, इस तरह से क्या होगी इसके अंदर वायर्स लगी होंगी। ये क्या होंगी वायर्स होंगी, वो क्या करेंगी आगे मेटल को स्प्रे करेगी, ये क्या करेंगी मेटल को स्प्रे करेगी। तो इस तरह से काफी सारी क्या होंगी इनके अंदर वायर्स लगी होंगी, ठीक है। और यहां से क्या हो रही होगी, ये वाली चीज क्या होगी मेटल स्प्रे हो रही होगी, यहां से क्या होगी मेटल मतलब इस तरह से एक वायर की फॉर्म में बनी होगी, ये पूरी आगे तक जारी होगी, वायर्स की फॉर्म में बनी होगी और यहां से क्या हो रही होगी मेटल स्प्रे होगी। मान लीजिए ये आपकी क्या है बेस मेटल है, ये हमारी क्या है बेस मेटल है, तो बेस मेटल के ऊपर पूरी तरह से हम क्या कर रहे होंगे उसको फ्लो करवा रहे होंगे, यानी कि जिस तरह से हमारी एक वायर होती है, हमने यहां पे क्या करना, ये हमारी क्या है मेटल वायर है, ये हमारी क्या है एक तरह से मेटल वायर है। तो मेटल वायर है ये हमारी, मान लीजिए बेस मेटल है, ये हमारी क्या है बेस मेटल है जिसपे हमने क्या करनी है कोटिंग करनी है, ये हमारी क्या है बेस मेटल है, बेस मेटल पे हमने क्या करनी है कोटिंग करनी है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, हमारी ये सारी क्या आ जाएगी, ये हमारी सारी क्या आ जाएगी नोजल आ जाएगी, ये हमारी सारी क्या है नोजल आ जाएगी, नोजल, ठीक है, जिनके अंदर से क्या जा रही है मोल्टन मेटल फ्लो कर रही है, जिनके अंदर से क्या कर रही है मोल्टन मेटल फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा हमारा, किसका डायग्राम बनेगा, ये हमारा डायग्राम बनेगा वायर गन मेथड का, वायर गन मेथड का। तो इसके अंदर अब हम बात करते हैं वायर गन मेथड के अंदर किस तरह से वर्किंग होगी, किस तरह से हम काम करेंगे, यानी कि जो हमारी वायर गन है ये किस तरह से काम करेगी, ये वायर गन जो हमारी है ये किस तरह से काम करेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं वायर गन मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड स्पेशल टाइप स्प्रे गन इज यूज्ड। इसके अंदर हम एक स्पेशल टाइप की स्प्रे गन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं स्प्रे गन का। मान लीजिए ये हमारी एक तरह से गन बनी हुई है स्प्रे गन, जिसमें हम जब शुरू करेंगे स्टार्ट करेंगे वर्किंग ऑन करेंगे तो ये क्या करेगी गन, यानी कि ये गन होगी नोजल होगी, तो यहां से बेस मेटल जो हमारी मोल्टन फॉर्म में है वो शुरू हो जाएगी फ्लो करना, वो फ्लो करते हुए हमारी पूरी बेस मेटल को कवर कर लेगी, बेस मेटल के सरफेस को क्या कर लेगी कवर कर लेगी, कौन कर लेगी जो मोल्टन मेटल हम निकालेंगे हमारी वायर के अंदर से। तो हमने क्या लिखा कि वायर गन मेथड के अंदर हम एक स्पेशल स्प्रे गन का यूज करते हैं और जो कनेक्टेड होती है, जो किसके साथ कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड होती है गैस टॉर्च के साथ, किसके साथ कनेक्टेड होती है जो हमारी गैस टॉर्च लगी होती है, गैस टॉर्च के साथ कनेक्टेड होती है हमारी वायर गन। मान लीजिए ये सारी हमारी क्या है वायर गन है, ये एक आगे गैस टॉर्च आ जाएगी, गैस टॉर्च के साथ हमारी वायर गन क्या है कनेक्टेड है। गैस टॉर्च का मतलब है कि जब हम इसके अंदर मोल्टन मेटल को फिल करेंगे तो गैस टॉर्च की वजह से वो हीटेड हो जाएगी और टॉर्च से वहां से क्या करेगी फ्लो करना शुरू कर देगी। दिस टॉर्च इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर, और उसके बाद जो ये गैस टॉर्च है ये आगे फर्दर कनेक्टेड होगी, किससे कनेक्टेड होगी जो हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, एसिटिलीन।
ठीक है, हमारी एस्टरीन और ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ये क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। कौन कनेक्टेड होगा, हमारी गैस टॉर्च कनेक्टेड होगी। उसके बाद क्या होगा, जिस तरह से इन दिस मेथड वायर इज ड्रॉन थ्रू द गन एंड नोजल पेयर ऑफ रोलर्स, ये नोजल के पेयर ऑफ रोलर्स लगे होंगे, इनके अंदर क्या होगी, जो भी हमारी ऑक्सीजन ऑस्टिलिन फ्लेम्स है उसकी वजह से जो मेटल आएगी वो मेटल क्या होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो मेटल कन्वर्ट हो जाएगी मोल्टन फॉर्म में। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और कंप्रेस्ड एयर की सहायता से, जो हम कंप्रेस्ड एयर यूज करेंगे नोजल के अंदर, उसकी वजह से कंप्रेस्ड एयर की प्रेशर की वजह से वो मोल्टन मेटल स्प्रे होना शुरू हो जाएगी। कहां पे स्प्रे होना शुरू हो जाएगी, हमारी बेस मेटल पे। कहां पे, हमारी बेस मेटल पे क्या होना शुरू हो जाएगी, एक तरह से फ्लो होना, स्प्रे होना शुरू हो जाएगी। तो एक बार फिर से देखो, वायर गन मेथड के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक सिंपली डायग्राम ड्रॉ किया कि ये हमारी नोजल्स हैं जिनके अंदर से क्या जा रही है, जो मोल्टन मेटल फ्लो कर रही है, बेस मेटल है, ये बेस मेटल का सरफेस है जहां पे हमने मोल्टन मेटल का क्या करवाना है, फ्लो करवाना है। तो उसके अंदर हमने क्या किया वायर गन के मेथड के अंदर, तो सबसे पहले हमने बात की कि वायर गन मेथड के अंदर हम एक स्प्रे गन, स्पेशल स्प्रे गन का यूज करेंगे। वो स्प्रे गन हमारी कनेक्टेड होगी किसके साथ, कनेक्टेड होगी, वो कनेक्टेड होगी हमारी गैस टॉर्च के साथ। स्पेशल स्प्रे गन का यूज करेंगे, स्प्रे गन कनेक्टेड होगी हमारी किसके साथ, कनेक्टेड होगी गैस टॉर्च के साथ। और गैस टॉर्च हमारी फर्दर आगे कनेक्टेड होगी किसके साथ, कनेक्टेड होगी ऑक्सीजन और एस्टिलीन, ऑक्सीजन और एस्टिलीन गैस के जो हमारे सिलेंडर है, इन दोनों सिलेंडर के साथ हमारी कनेक्टेड होगी। कौन कनेक्टेड होगी, हमारी गैस टॉर्च, हमारी गैस टॉर्च ऑक्सीजन और एस्टिलीन सिलेंडर के साथ कनेक्टेड होगी। इसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारी वायर्स हम यूज कर रहे हैं, इन दिस मेथड वायर इज ड्रॉन थ्रू द गन, जो हमारी वायर्स वगैरह हम इसके अंदर, यानी कि नोजल्स का यूज करेंगे, नोजल्स के अंदर जब हम हीटेड करेंगे, यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन एस्टिलीन फ्लेम्स होगी उसकी वजह से हमारी जो मोल्टन, हमारी जो सिंपल मेटल है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, मोल्टन होना, यानी कि मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मेल्ट होने के बाद वो नोजल्स में से पास करेगी, नोजल में से पास होती होती वो यहाँ पे आ जाएगी गन में, यहां से वो क्या करना शुरू कर देगी, स्प्रे करना शुरू कर देगी हमारी बेस मेटल के सरफेस पे, यानी जहां पे हमें रिक्वायर है बेस मेटल के सरफेस पे, वहां पे स्प्रे करना शुरू कर देगी हमारी जो भी क्या है मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल क्या करना शुरू कर देगी, स्प्रे करना शुरू कर देगी। और इस तरह की जो भी वायर गन मेथड है, इस तरह का हम नॉर्मली यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मेटल्स जो यूज करते हैं हम इनके अंदर, वो हम करते हैं स्टील, किनका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टील का, ब्रॉन्ज का, स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इसके अलावा निकल हो गया, निकल, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। तो इस तरह की मेटल्स का हम यूज करते हैं गन वायर, वायर गन मेथड के अंदर, हम किसमें यूज करते हैं, वायर गन मेथड के अंदर इन मेटल्स का यूज करते हैं। एक बार फिर से देख लो, वायर गन मेथड के अंदर हमने क्या किया कि वायर गन मेथड के अंदर सबसे पहले वायर गन मेथड एक तरह से हमारी मेटल स्प्रेइंग का ही पार्ट है। इसके अंदर हमने क्या करना है, एक स्पेशल वायर गन का यूज करना है। वायर गन हमारी कनेक्टेड होगी गैस टॉर्च के साथ, गैस टॉर्च फर्दर कनेक्टेड होगी हमारे दो सिलेंडर्स के साथ। वो सिलेंडर कौन से होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर और एस्टिलीन सिलेंडर। ऑक्सीजन और एस्टिलीन सिलेंडर के बाद क्या हो गए, जो हमारी नोजल्स वगैरह हैं वहां पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन और एस्टिलीन गैस होगी इनकी फ्लेम की वजह से हमारी जो मेटल है वो हीटेड होना शुरू हो जाएगी। हीटेड होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगी मोल्टन मेटल के अंदर, मोल्टन मेटल के अंदर कन्वर्ट होगी नोजल की सहायता से, कंप्रेस्ड एयर की सहायता से वो आगे वायर्स अपना जो गन है, गन में से होती हुए, नोजल्स में से होती हुए हमारी बेस मेटल के सरफेस पे क्या करना शुरू कर देगी, स्प्रे करना शुरू कर देगी, फ्लो करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से हमारी मेटल पे क्या हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी और हमारी मेटल को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। इससे प्रोटेक्ट करेंगे जो भी हमारे एटमोस्फेरिक या कोरोसिव एक्शंस हो रहे हैं, उन एक्शन से हमारी मेटल को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा गन मेथड, वायर गन मेथड के अंदर हम जो मेटल्स यूज करते हैं वो होती है स्टील, ब्रॉन्ज, निकल, या फिर आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम, क्या बोल सकते हो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर इसकी एडवांटेज के बारे में कि क्या क्या एडवांटेज है। अगर हम बात कर लेते हैं वायर गन मेथड की एडवांटेज के बारे में, तो मेनली दो तीन एडवांटेज है हमारी वायर गन मेथड की। क्या है वायर गन मेथड की दो तीन एडवांटेज है, जैसे वायर गन मेथड की
एडवांटेज। तो एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज के अंदर सबसे पहले क्या है कि लेस कॉस्टली देन पाउडर मेटल कोटिंग, कि जो हमारी पाउडर मेटल कोस्टिंग होती है उससे ये क्या होती है, लेस कॉस्टली होती है, यानी कि इसके अंदर जो हमारा कॉस्ट है वो कम आता है, यानी कि जो भी हमारा खर्चा है वो वायर गन मेथड के अंदर कम होता है, जबकि जो हम पाउडर मेटल मेथड करेंगे उसके अंदर कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्प्रे गन के अंदर जो फीड रेट होता है, यानी कि फीड रेट होता है वो डिफाइन होता है, यानी कि इतना ही मेटल का स्प्रे हम कर सकते हैं, इतने रेट तक स्प्रे कर सकते हैं हमारी मेटल को। और जो हमारा वायर गन मेथड है ये एक तरह से रैपिड होता है, यानी कि इसको इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, और ये एक तरह से क्या है, रैपिड मेथड है। क्या है, रैपिड मेथड है। कौन सा रैपिड मेथड है, जो हमारा वायर गन मेथड है। तो वायर गन की ये एडवांटेज होगी कि ये कौन सा एक रैपिड मेथड है। तो एक बार फिर से सुनो, हमने एडवांटेज के अंदर क्या बोला कि दो तरह की एडवांटेज होती है हमारी, किसकी, वायर गन मेथड की। सबसे पहले तो लेस कॉस्टली की, कम कॉस्टली होता है, खर्चा कम आता है, जबकि जब हम यूज करेंगे पाउडर मेटल मेथड तो पाउडर मेटल मेथड के अंदर कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने बात की कि जो फेड होता है इनटू द स्प्रे, जो स्प्रे गन के अंदर फेड रेट होता है वो एक डिफाइन होता है, यानी कि जितना हमें चाहिए डिफाइन एक वैल्यू होती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में बात की रैपिड मेथड की, जो हमारा वायर गन मेथड होता है एक तरह से रैपिड मेथड है, यानी कि आसानी के साथ हम इसके साथ रैपिडली काम कर सकते हैं, और इसके अंदर जो भी कॉस्ट है वो तो कम होगा ही होगा, इसके अलावा हम इसको इजिली हैंडल कर सकते हैं, यानी कि आसानी से हम वायर गन मेथड को ऑपरेट कर सकते हैं, वायर गन मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। तो ये भी एडवांटेज किसकी, हमारी वायर गन मेथड की एडवांटेज। अब हम बात कर लेते हैं हमारी आगे पाउडर मेटल मेथड के बारे में, पाउडर मेटल मेथड के बारे में, ठीक है। बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड हमारा कौन सा पॉइंट है, पाउडर मेटल, ठीक है, पाउडर मेटल मेथड। आपको बताया कि मेटल स्प्रे के दो मेथड होते हैं, एक होता है वायर गन, दूसरा होता है पाउडर मेटल मेथड। तो पाउडर मेटल मेथड के अंदर भी सेम इसी तरह होगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक तरह से वायर ही है, मान लीजिए हमारा एक तरह से पाउडर की फॉर्म में है, इसके अंदर ये सेम उसी तरह से क्या है, नोजल्स का यूज किया हुआ है। क्या है, नोजल्स का यूज किया हुआ है। इसके अंदर भी क्या है, सेम उसी तरह से नोजल का यूज किया हुआ है, यहां पर भी नोजल्स का यूज किया हुआ है, इस तरफ से भी, ये हमारी सारी क्या है, नोजल्स। लेकिन इसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं, जो इसके अंदर हम यूज करेंगे हमारी बेस मेटल पे, हमारी जो बेस मेटल है, बेस मेटल पे जो हम फ्लो करवाएंगे वो किसका होगा, वो होगा हमारी, वो किसका, बेस मेटल पे जो हम फ्लो करवाएंगे वो किस चीज का होगा, वो होगा हमारी जो भी पाउडर फॉर्म में होगा वो किसका होगा, पाउडर फॉर्म में। मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक बेस मेटल है, ये हमारी क्या है, बेस मेटल है। तो बेस मेटल के ऊपर जो भी फ्लो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा पाउडर फॉर्म में, वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा पाउडर फॉर्म में। यानी कि इसके अंदर हम वायर का यूज नहीं करेंगे, और इसके अंदर, इसके अलावा हम किसका यूज नहीं करेंगे, मोल्टन मेटल का यूज भी नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, मोल्टन मेटल का। लेकिन जो हम मेटल यूज करेंगे, जो भी हम मेटल यूज करेंगे, ये एक तरह से पूरी तरह से नोजल्स, जो भी हम मेटल्स यूज करेंगे वो मेटल्स किस फॉर्म में होगी, वो मेटल की फॉर्म होगी पाउडर फॉर्म, यानी कि इस तरह से पाउडर फॉर्म में, ना कि मोल्टन फॉर्म में। तो हम पाउडर मेटल में क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो नोन एज थर्मो स्प्रे मेथड। जो हमारा पाउडर मेटल मेथड है इसको हम थर्मो स्प्रे मेथड से भी जान सकते हैं। किस मेथड से जान सकते हैं, थर्मो स्प्रे मेथड। और इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर जो हम कोटिंग करते हैं मटेरियल की, कि इन दिस मेथड कोटिंग ऑफ मटेरियल इज यूज्ड पाउडर फॉर्म, नॉट इन मोल्टन, नॉट इन वायर फॉर्म। कि जो भी हम यूज करते हैं, यानी कि क्या यूज करते हैं, जो भी हम मेटल की कोटिंग करने के लिए यूज करते हैं मेटल, वो हम यूज करते हैं किस फॉर्म में, वो यूज हम करते हैं पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज करते हैं, पाउडर फॉर्म में, नॉट इन वायर फॉर्म, यानी कि वायर की फॉर्म में यूज नहीं करते, बल्कि यूज करते हैं पाउडर की फॉर्म में।
ठीक है, द मेटल पाउडर इज फिल्ड इन द होपर, जो भी हमारा मेटल है, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे होपर होगा, जो भी हमारा पाउडर होगा, मेटल का पाउडर, यानी कि हमारे पास मेटल है, मेटल को हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, उस पाउडर को हम क्या करते हैं, होपर के अंदर डालते हैं। वो होपर क्या करता है, उसको लेके जाता है, कहां तक लेके जाता है, जो हमारी स्प्रे गन होती है वहां तक, स्प्रे गन तक लेके जाता है। उसके बाद मेटल पाउडर गेट्स मेल्टेड, वो मेल्टेड होना शुरू हो जाता है और पासिस थ्रू द ऑक्सीजन एस्टिल, जो हमारे सिलेंडर होते हैं उनमें से पास करता है, और उसके बाद हमारी बेस मेटल के ऊपर क्या होना शुरू हो जाता है, स्प्रे होना शुरू हो जाता है, यानी कि जहां पे हमें उसको स्प्रे करना है, जहां पे हम उसकी कोटिंग करना चाहते हैं, वहां पे हम उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं। तो एक बार फिर से सुनो कि हमने क्या बोला पाउडर मेटल मेथड के अंदर, पाउडर मेटल मेथड के अंदर हमने क्या बात की कि जो हमारा पाउडर मेटल मेथड है, इसको हम थर्मो स्प्रे मेथड भी बोलते हैं। क्या मेथड बोलते हैं, थर्मो स्प्रे मेथड बोलते हैं। इसके अंदर जो भी हम कोटिंग करते हैं, कोटिंग मटेरियल यूज करते हैं, वो यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में। कोटिंग करने के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं, वो मटेरियल यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में, नॉट इन वायर फॉर्म। वायर फॉर्म की तुलना में पाउडर फॉर्म में हम क्या करते हैं, मटेरियल का यूज करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम क्या करते हैं, पाउडर को, जो मेल्टेड हमारी मेटल का पाउडर है, उस मेटल पाउडर को हम होपर में डालते हैं, होपर से वो स्प्रे गन के अंदर जाता है, वहां से वो क्या होना शुरू हो जाता है, जो मेटल है वो मेटल पाउडर गेट्स मेल्टेड, मेल्टेड होना शुरू होता है। मेल्टेड होने के बाद वो क्या करता है, नोजल्स में से पास होता हुआ कहाँ पे जाता है, हमारी जो भी बेस मेटल है, बेस मेटल पे जहाँ पे हमने कोटिंग करनी है, तो वहां पे क्या करता है, उस पे फ्लो करवाता है, यानी कि स्प्रे करवाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, बेस मेटल पर एक थिन लेयर बन जाती है। किसकी लेयर बन जाती है, कोटिंग की एक लेयर बन जाती है, कोटिंग की होती है, क्या लेयर, लेयर बन जाती है। इस मेथड का हम जो यूज करते हैं, वो जैसे जिंक हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, तो इन तरह की मेटल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, किनका यूज कर सकते हैं, पाउडर मेटल मेथड का, पाउडर मेटल मेथड का क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसकी कुछ एडवांटेज है, जैसे कि इट कैन अप्लाइड टू लार्ज एंड इररेगुलर शेप सब्जेक्ट, कि हमारे लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इररेगुलर शेप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स पे भी हम यूज कर सकते हैं पाउडर मेटल मेथड का। हम पाउडर मेटल मेथड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नॉन मेटेलिक जो भी मेटल्स, नॉन मेटेलिक हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं, उन मेटल्स पे भी, नॉन मेटल्स पे भी हम क्या कर सकते हैं, पाउडर मेटल मेथड का इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब पे भी हम पाउडर मेटल मेथड का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वायर गन मेथड के बाद हमने बात की पाउडर मेटल मेथड के अंदर, इसको में भी हमने यही बात की कि इसको हम थर्मोस्प्रे मेथड करते हैं, पाउडर मटीरियल जो हम कोट करते हैं वो पाउडर फॉर्म में होता है, वायर फॉर्म में नहीं होता। होपर की सहायता से हम मेटल जो पाउडर है उसको हम फ्लो करवाते हैं, वो फ्लो होने के बाद स्प्रे गन में आता है, स्प्रे गन से क्या होता है, वहां से हमारे जो स्प्रे गन यानी कि गैस टॉर्च है वो कनेक्टेड होती है ऑक्सीजन ऑस्टिलिन सिलेंडर से, वहां से वो मेल्ट होना शुरू होता है। मेल्ट होने के बाद वो नोजल्स की सहायता से हमारी बेस मेटल के सरफेस पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है, फ्लो करवाता है, स्प्रे करवाता है, और हमारी बेस मेटल के ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है कोटिंग की, जिसकी सहायता से हम प्रोटेक्ट करते हैं हमारी मेटल को, हमारी मेटल को क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं। हमने इसके अंदर जिंक, टिन, लेड है, इनके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं पाउडर मेटल मेथड का। इसके अलावा हमने बात की कि हम इसकी एडवांटेज है लार्ज, जो हमारी लार्ज शेप होती है, इररेगुलर शेप्स होती है, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं आसानी से। नॉन मेटल्स के ऊपर भी हम यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, पाउडर मेटल मेथड का।